गाइस, दिस रॉबर्ट सेंटी। तो आज आपके लिए लाए हैं होममेड प्रोजेक्टर, जो हम लोग प्रोजेक्टर बड़ा स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। कोई भी सिनेमा हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी चीज हम लोग बड़ा स्क्रीन पे अगर देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर यूज करते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्टर थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन हम आज दिखाएंगे किस प्रकार से घर पे आसानी से एक प्रोजेक्टर बना सकते हैं। वो हाई क्वालिटी नहीं होगा, थोड़ा लो क्वालिटी देगा, लेकिन चलेगा, हम लोगों को दिखाई देगा बहुत ही अच्छे से, बड़ा स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो हमने जो यूज किया था पिछला वीडियो में, जो डिस्प्ले मैंने यूज किया था, तो वही डिस्प्ले हम लोग यूज करेंगे इसी प्रोजेक्टर पर, ठीक है। तो इसी डिस्प्ले के वजह से प्रोजेक्टर को हम लोग आउटपुट दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। और इस पर किसी भी चीज को हम लोग प्ले कर सकते हैं, वो भी माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज और देखते हैं हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं एक प्रोजेक्टर। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो अभी जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये एक प्रोजेक्टर का टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले को देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे पिक्चर आ रहा है, मतलब मोबाइल को हमने ऑन रखा है ताकि यहाँ से जो फोकस आएगा, इस फोकस के माध्यम से ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले का जो कि पिक्चर है उसको हम लोग लेंस के माध्यम से वॉल पे डालेंगे, तो वॉल पे ज्यादा बड़ा आएगा क्योंकि लेंस के माध्यम से ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी फोकस को हम लोग ऑन करते हैं, तो अभी देखिए ऑन कर दिया है और डिस्प्ले वहां पे वॉल पे आ रहा है। तो अभी देखिए लेंस को जब भी एडजस्ट करेंगे तो ये बड़ा और छोटा हो रहा है, देखा आपने, तो ये बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग इसका एडजस्ट कर सकते हैं बड़ा और छोटा डिस्प्ले को। तो अभी इसमें एक हम लोग जो प्ले करेंगे, एक वीडियो को प्ले करके हम लोग देखेंगे। तो इस माउस के माध्यम से हम लोग इसका प्ले करेंगे। तो अभी यूट्यूब खोलते हैं, अभी देखिए मेरा चैनल इसमें ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अभी एक वीडियो मैं चलाता हूँ, तो अभी ये प्ले हो रहा है लेकिन ये साइड पे हो रहा है। तो अभी इसको हम लोग कर्व करेंगे, उल्टा कर्व करेंगे, तो रोटेशन कर देंगे उल्टा, तो यहाँ पे क्लिक करने पर ये उल्टा हो जाएगा। तो अभी देखिए उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा आ रहा है, क्योंकि लेंस की वजह से ये सीधा आ रहा है। तो अभी लेंस को हम लोग एडजस्ट करेंगे, करने के बाद देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एक प्रोजेक्टर को बना सकते हैं आसानी से घर पे। तो अभी इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग एक बॉक्स के अंदर एक प्रोजेक्टर बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स को हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी हम लोग लाइट को लगाएंगे। तो इस तरीके का लाइट हम लोग इस पर फिट करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा ग्लो करता है, तो वही लाइट हम लोगों को इस पर फिट करना होगा। ये जो ओरिजिनल प्रोजेक्टर होते हैं उसी प्रकार के नहीं होते, देगा ये इसका आउटपुट, ठीक है, थोड़ा कम देगा, तो लो क्वालिटी देगा, लेकिन
दिखाई देगा, बहुत ही बड़ा स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसी लाइट को हम लोग यूज करेंगे इस पर फिट करके, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले लगाने के बाद हम लोग इसको रन कर सकते हैं आसानी से। तो अभी चलिए ये लाइट को हम लोग इस पर फिट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जो एलईडी हमने लगा दिया जो कि एसी से चलता है, और यहाँ पे एक डिस्प्ले आप देख रहे हैं। तो इसी डिस्प्ले पे हम लोग पहले प्ले करेंगे, वीडियो को प्ले करके उसके बाद हम लोग ये वाला एलईडी ग्लो कर देंगे।